बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलियम ब्लेक, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग सम पोएम्स फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एज वेल एज फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एक पोएम है, नाम है द इक्विन ग्रीन। वेदर दैट इज इन सिलेबस और नॉट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। We have to gather some ideas, some image, and we have to gather and understand William Blake actually. Okay, Equine Green, देखें, that is not too much philosophical poem. Actually, the poem is about that is a image of the past. माजी से nostalgic poem है, जुड़ी हुई है। बस इतनी सी बात है कि कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं दरख्त के नीचे और बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं शाम के वक्त। बस ये मंजर देखकर कहते हैं कि दीज आर द रियल हैप्पीनेस, ये हैं सच्ची खुशियाँ। बयान अंदाज ऐसा है कि सारी ज़िंदगी ज़िंदगी गुजर जाएगी, पोएम जहन से नहीं जाएगी। इतनी प्यारी पोएम है। द सन डज राइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, सूरज निकला है आसमान खुश हुआ। द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, चर्च के अंदर घंटियाँ बजती हैं, जा बजा बगल बजते हैं। स्प्रिंग का मौसम है, उसको वेलकम करने के लिए चिरिंद परिंद दरख्त हर चीज़ खुश होती है। द स्काई लार्क एंड थ्रश, और फिर स्काई लार्क और थ्रश दोनों बर्ड्स के नाम हैं, ये भी गीत गाते हैं। द बर्ड्स ऑफ द बुश, और बुश के अंदर बैठा हुआ परिंदा भी वो चहचहा रहा है। क्यों? बिकॉज देर इज स्प्रिंग। सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल चेयरफुल साउंड, वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इक्विन ग्रीन। और हर चीज़ खुशबाश है, हर तरफ खुशी की घंटियाँ हैं, शोर पुकार है, गीत ही गीत हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स, जबकि खेल खेले जा रहे हैं, देखे जा सकते हैं खेल ऑन द इक्विन ग्रीन, सामने सब्जे के मैदान पर। इस सब्जे के मैदान पर जब वहाँ पर बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, चीखो पुकार रहे हैं, तो एक्चुअली द होल मिडो इज इक्विंग, पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो इक्विंग कर रहा है। वहाँ से एक ख़ास आवाज़ गूंज स्प्रिंग आ रही है, पूरा का पूरा पैच ज़मीन का वो इको कर रहा है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, और जॉन सफ़ेद सर लिए, डज लाफ अवेक हेयर सिटिंग अंडर द ऑक, डज लाव वे केयर। और फिर वो ऐसा करे, केयर फ्री है, इनका ही बूढ़ा हो चुका है, तो वो दरख के नीचे बैठा हुआ है और वो देख रहा है बच्चों को। डज लाव वे केयर, और बच्चों को जॉन बैठा अपनी कंपनी, जॉन असल में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ वो देख रहा है सामने। और सिटिंग अंडर द ऑक एमंग द ओल्ड फोक, पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ देख रहा है उस खेल कूद को। They laugh at our play, और वो हमारे खेल कूद के ऊपर हंस रहे हैं। अब ये एक बच्चा कह रहा है, हमारे खेल कूद पर वो हंस रहे हैं। And soon they all say, और जल्दी वो कहेंगे, such such were the joys when we all girls and boys, हाँ यही तो खुशियाँ थी जब हम तमाम लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। In our youth time were seen, जवानी में देखे जाते थे इसी ग्राउंड के ऊपर, ऑन द इक्विन ग्रीन, इसी इक्विन ग्रीन के ऊपर। अब वो बूढ़े लोग देखते हैं, कहते हैं हाँ यहीं तो खुशियां हैं, और आज ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, उनके पोते हैं पोतियां हैं या रिश्तेदार हैं या हमसायों के बच्चे हैं, तो कहते हैं एक वक्त था हम यहाँ खेल रहे थे और यहीं तो असल रियल हैप्पीनेस थी, सही खुशियाँ थी। टिल द लिटिल वंस वेरी, फिर छोटे बच्चे थक गए, नो मोर कैन बी मेरी, अब मजीद कोई खुशी मैदान में नहीं रही। द सन डस डिसेंड, सूरज डूब गया, एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारा खेल भी ख़त्म हुआ। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, और वो घूमने लगे, जाने लगे, पहुँचने लगे अपनी माओ की गोद में तमाम बच्चे। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बहन भाई वो नेस्ट में पहुँच गए और रेडी फॉर से रेस्ट। और अब ये बच्चे क्या हैं आप बताएं, रेस्ट के लिए तैयार हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन,
मस्जिद कोई खेल कूद नजर नहीं आता, कहाँ पर? मैदान इक्विंग ग्रीन के अंदर, हाँ उस खुशी वाले मैदान में। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब ये तारीख होते हुए मैदान के अंदर और कोई चीज़ मज़ीद खुशी नहीं रही। आतका स्टार्ट, एपेक्सिमिलीज, यूज ऑफ एपेक्सिमिलीज, व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड देन? नथिंग यू हैव प्रिपेयर्ड, ओके, नो यू प्रिपेयर द एपिक पोइम ऑफ मिल्टन, आफ्टर सम टाइम आई विल टेक टेस्ट, प्रिपेयर हेयर नाउ एट अ टाइम, यू हैव वन आवर, पूरा एक घंटा आपके पास। यस ओके, लैम्प प्रीवियस डे हमने पढ़ ली थी जी बेटा, जी मेरा मर्दाना फोन है, मेरा बेटा ऐसे ना महरम हो जाएगा, फोन भी ना महरम होते हैं। ओके, द शेफर्ड, हाउ स्वीट इज द शेफर्ड स्वीट लोट फ्रॉम द मॉर्न टू द इवनिंग ही स्टेज, पेज नंबर 134, ही शेल फॉलो हिज शीप ऑल द डे and his tongue shall be filled with praise, for he hears the lamb's innocent call and he hears a ewe tender reply, he is watchful while they are in peace, for they know when their shepherd is near. Shepherd ke bare mein bataya gaya hai, shepherd charawe ko kehte hain, uske baad bahut sari bheede hoti hain, wo ek lakdi uthakar apni bheedo ke saath unko haankta hai, उनके साथ रहता है, भेड़ें उसके साथ रहती हैं, उन भेड़ों को बचाता है किसी भेड़िए से, उन भेड़ों का खुराक का एहतमाम करता है, पानी का एहतमाम करता है, उनका ख्याल रखता है पूरा पूरा, ठीक है। सेम द रिफ्लेक्शन इज़ दैट क्राइस्ट इज़ द शेफर्ड एंड वी ऑल आर द शीप। और क्या हाल है, चाय पियेंगे बोतल, चाय पियेंगे? हाउ स्वीट इज़ द शेफर्ड स्वीट लॉट, कितनी अच्छी है इस शेफर्ड की किस्मत, फ्राम द मॉर्न टू द इवनिंग ही स्टेज, सुबह से लेकर शाम तक वो भटकता रहता है, ही शेल फॉलो इज शीप ऑल द डे, और सारा दिन वो अपने शीप्स के साथ रहता है, एंड इज टंग शेल बी फील्ड विद प्रेज, और हर वक्त अल्लाह ताला की वो प्रेज बजा लाता रहता है, हम्द करता रहता है। For he hears the lamb's innocent call, और lamb की innocent call वो सुनता है, वो lamb की आवाज़ सुनता है, मासूम आवाज़ सुनता है, and he hears the ewe's tender reply, और female sheep की tender reply भी वो सुनता है, बच्चे की आवाज़ भी सुनता है, माँ की आवाज़ भी सुनता है, कौन? Shepherd, यानी कि Christ is in the midst, क्राइस्ट शीप हम आम आवाम हैं, वो क्राइस्ट आम आवाम की आवाज़ सुनता है और गॉड की प्रेज भी बजा रहता लाता रहता है, ठीक है। ही इज़ वॉचफुल वाइल दे आर इन पीस, और वो उनकी निगरानी करता है जब वो पीस में होते हैं, जब वो अमन में होते हैं, सुकून में होते हैं, फॉर दे नो व्हेन देयर शेफर्ड इज नीर, और वो भेड़ें जानती हैं कि उनका शेफर्ड जो है किस वक्त नज़दीक है, उनके करीब है, बस कोई फिलासफी नहीं है, किस वक्त उनके करीब है। दैट इज टेंडर पोइम, दैट इज अ सॉन्ग ऑफ फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। इन्फेंट जॉय देखें जी, इन्फेंट जॉय, जॉय पेज नंबर 136, आपका पेज नंबर 106, छोटे बच्चे की खुशी देखें। आई हैव नो नेम, आई एम बट 2 डेज ओल्ड, मेरा कोई नाम भी नहीं है क्योंकि अभी नाम रखा नहीं गया और वो 2 दिन का बच्चा है। व्हाट शैल आई कॉल दी, मैं तुम्हें क्या पुकारूं? आई हैप्पी एम, जॉय इज़ माय नेम, मैं खुशी हूं और खुशी ही मेरा नाम है। स्वीट जॉय बीफॉल दी, तुम पर खुदा की रहमतें हों, तुम पर स्वीट जॉय बीफॉल करे, प्रिटी जॉय, स्वीट जॉय, बट 2 डेज ओल्ड,
स्वीट जाय आई कॉल दी, मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम स्वीट जाय हो, छोटे बच्चे को। दाओ डो स्माइल, तुम मुस्कुराते हो। आई सिंग द वाइल, मैं गीत गाता हूँ। स्वीट जाय बिफॉल दी, तुम पर खुदा की रहमत हो। इन्फेंट जाय इन एक्सपीरियंस में देखें है कहीं, बस एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है या पोइट बच्चे को कह रहा है। इन्फेंट क्राई है शायद, वो उस टाइप की है। अच्छा, टू फिफ्टी फाइव पर देखें जरा। इन्फेंट जाय योगा 255 पर। तो इन्फेंट सारो है, इन्फेंट सारो 255 प्रिंस इन्फेंट सारो। आप पिछले में पोएट ने देखा या बच्चे ने देखा, किसको देखा? उस छोटे दो दिन के बच्चे को देखा है, या तो छोटे बच्चे ने किसी और बच्चे ने देखा, उसे पूछा है कि तुम्हारा क्या नाम है, बच्चे ने जवाब दिया जी मेरा नाम तो खुशी है, मैं 2 डेज ओल्ड हूँ, ठीक है। और फिर दूसरे बच्चे ने फिर उसे दुआ दी है कि तुम पर खुदा की रहमत हो। या तो पोएट है, बच्चे से मुखातिब हुआ है कि तुम्हारा क्या नाम है, फिर बच्चे ने बताया मेरा नाम खुशी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी। तो अब इन्फेंट सारो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर जब आया, तो उस वक्त विलियम ब्लेक के क्या तासुरात हैं बच्चे को देखकर। माई मदर ग्राउंड माई फादर वेप्ट, मेरी माँ चिंघाड़ती रही दर्द से, मेरी माँ कराहती रही। माई फादर वेप्ट, मेरा बाप रोता रहा। आपका पेज नंबर क्या है? 294। Into the dangerous world I leapt। अब बच्चा कह रहा है मेरी माँ कराई, मेरा बाप रोया, और फिर मैं इस दुनिया के अंदर, इस खौफनाक दुनिया के अंदर लेफ्ट दाखिल हो गया। आत का हेल्पलेस नेकेड पाइपिंग लाउड, यू गो आउटसाइड, आतका गो आउटसाइड एंड कॉल। हेल्पलेस नेकेड पाइपिंग लाउड, और मैं बेबस था और नेकेड था। जब आप क्लास में बैठ के फ़ोन अटेंड करेंगे तो अब्बा जी कैसे यकीन करेंगे कि आप क्लास में हैं? जब मोबाइल आपके हाथ में तो आप क्लास में नहीं हैं, नेवर। तो डोंट यूज़ मोबाइल ड्यूरिंग यूर स्टडी। जब आपने फ़ोन उठा लिया तो इसका मतलब आप भी एकेडमी में नहीं हैं। यू आर इन लेयर समवेयर, यू आर नॉट इन एकेडमी। इफ यू आर इन एकेडमी देन आपका मोबाइल कैसे हाथ पड़ गया मोबाइल को? आपने पहले मैसेज भी देखा है, कॉल भी देखा है, तो आप साथ साथ कर रही हैं ना। सर आई नहीं थी कॉल, तो वही मैंने दोबारा किया ना कि दोबारा कर रहे हैं कॉल। चले उसको अब गौर से पढ़ना है, ठीक है, अब कॉल अटेंड नहीं करना। हेल्पलेस नेकेड पाइपिंग लाउड, और वो बच्चा जो है हेल्पलेस है, बेबस है, नेकेड है, नंगा है, पाइपिंग लाउड ऊंची आवाज में चीखो पुकार कर रहा है। लाइक अ फिंड हिट इन अ क्लाउड, ऐसे है बच्चा जैसे कि कोई शैतान छुपा हुआ होता है बादल के अंदर, कोई दुश्मन छुपा होता है बादल के अंदर। फिंड लिखा हुआ है, फ्रेंड नहीं है। स्ट्रगलिंग इन माई फादर्स हैंड्स, मैं अपने वालिद के हाथों के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ। अतका साउंड ना प्रोड्यूस करो, साउंड। स्ट्राइविंग अगेंस्ट माई स्वैंडलिंग बैंड्स, और स्ट्राइविंग अगेंस्ट माई स्वैंडलिंग बैंड्स, वो जो मुझे कपड़ा बंधा हुआ है मैं उसके खिलाफ कोशिश कर रहा हूँ। बाउंड एंड वेरी आई थॉट बेस्ट, और मैं बंधा हुआ और थका हुआ मैं बेहतरीन सोचता हूँ। टू सक अपॉन माई मदर्स ब्रेस्ट, अपने माँ के दूध पीता हुआ मैं ये सोचता हूँ, बंधा हुआ मैं, तो आई थॉट बेस्ट, मैं बेस्ट सोचता हूँ। क्या सोचता है ये तो उसने बताया नहीं है। वो ये सोच रहा है कि ही इज़ वेरी बाउंड एंड वेरी आई थॉट बेस्ट,
मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर शैकल्ड में आ गया हूँ, बाउंड भी हो गया हूँ और थक भी गया, यानी कि दिस वर्ल्ड इज अ शैकल्ड एंड यू कैन से दैट अ वर्ल्ड विच कैन मेक यू टायर्ड, आपको थका देने वाली दुनिया, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम नाउ, हॉली थर्सडे 1, पेज नंबर 153, हॉली थर्सडे, पेज नंबर 153, व्हाट इज योर पेज नंबर? 134 इन बुक ऑफ फेमस। अच्छा जी, ये पोएम हॉली थर्सडे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है हॉली थर्सडे 1। इट वॉज ऑन अ हॉलीडे थर्सडे, यहाँ से शुरू होता है। अब जब भी किसी चर्च के अंदर कोई तकरीब होती है बच्चों की, तो वहाँ पर वो ना सिर्फ इलाके के नामवर लोगों को बुलाते हैं, बल्कि वहाँ पर सहाफ़ी, वक्त के जो सहाफ़ी होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है ताकि वो इस बात का चर्चा भी करें। तो विलियम ब्लेक को वहाँ पुकारा, बुलाया गया है ताकि विलियम ब्लेक फिर अपनी पोएट्री के ज़रिए कुछ ना कुछ कहे उन बच्चों के बारे में, और सबको बुलाने का, वहाँ एहतमाम करने का, सरमनी का मीनिंग एक बड़ा पर्पस होता है, चैरिटी कलेक्ट करना। जो उस इलाके के बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको, उन बच्चों को पेश किया जाता है, और वहाँ से फिर चैरिटी गैदर की जाती है। विलियम ब्लेक उस तकरीब में मौजूद है और उन बच्चों को देखता है, उनकी खूबसूरती बयान करता है, उनकी इनोसेंस बयान करता है, और पूरे एटमॉस्फेयर को वो इंतहाई पायस, नेक और पाकीज़ा एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हुए ये रिक्वेस्ट भी कर देता है पोएम के अंदर कि चैरिटी देने वाले चैरिटी ज़रूर दें। ओके, दैट वाज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एट हॉली थर्सडे। इट वाज ऑन अ हॉली थर्सडे देयर इनोसेंस फेसेस क्लीन, बच्चों के इनोसेंट फेसेस बड़े साफ सुथरे थे, यानी कि ये एक पिंडाल में बैठे हुए हैं, एक बड़े सारे मैदान में बैठे हुए हैं जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं या रैंप बने हुए हैं, वहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, सामने मेहमान खुसूसी भी हैं, वहाँ पर वो जो इनका ख्याल रखने वाले पोस्टर्स हैं, पादरी हैं, पोप्स हैं, वो भी मौजूद हैं वहाँ पर। तो सारे एटमॉस्फेयर को देखकर कह रहा है यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इनोसेंट बच्चे, और उनके फेसेस बहुत नीट एंड क्लीन हैं। द चिल्ड्रन वॉकिंग टू एंड टू, बच्चे दो दो करके वहाँ पर चल रहे हैं, इन रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन, वो रेड कलर में, ब्लू कलर में और ग्रीन कलर के अंदर कपड़े पहने हुए हैं। मैसेज था, कट तो नहीं गई? नहीं, मैसेज से नहीं कटती। ग्रे हेयर्ड हेडेड बीटल्स, ग्रे हेडेड बीटल्स, बीटल्स का मतलब वहीं केयर टेकर, और वहाँ पर सफ़ेद सरों वाले केयर टेकर्स हैं, वॉकिंग बिफोर विद वैंड्स, और वो बच्चों के आगे चल फिर रहे हैं, वांड्स एक लाठी उठाए हुए, एज वाइट एज स्नो, वो लाठी भी वाइट कलर की है, ऐसे वाइट कलर की है जैसे स्नो होती है, यानी कि दैट इज़ आल्सो पाइस, उन लोगों के सर भी सफ़ेद हैं, दैट इज़ आल्सो सिंबल ऑफ पाइटी, ये किसी नेकी का, अच्छाई का, पाकिजगी का सिंबल है। एट द सेम टाइम उनके पास जो लाठी है वो भी वाइट कलर की है, ये भी पाकिजगी का सिंबल है। Till into the high doom of pools, they like Thames waters flow. Till into the high doom of pools, ये इलाका है, ये जगह है, ये चर्च है, पाउल का चर्च है, ठीक है, सेंट पाउल का ये चर्च है, और यहाँ पर अपना Thames water भी बहता है, यानी कि Thames river is also very near to it. Clear? Yes. Hmm. किसी की मोटर चल रही है, लाइट तो नहीं? लाइट नहीं आई, वो मोटर उनकी चलती है, जब लाइट नहीं होती तो फिर ही चलती है, पता नहीं, ये हमें समझ नहीं आई आज तक। ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड, ये बच्चे कितने ज़्यादा हैं तादाद में, दीज फ्लोर्स ऑफ लंदन टाउन, ये लंदन के फ्लोर्स हैं, ये लंदन के फूल हैं। दोबारा, ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड, कितने ज़्यादा ये तादाद में बच्चे बैठे हुए हैं, These flowers of London
टाउन और ये लंदन के फूल हैं। ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड, कितने ज़्यादा ये तादाद में हैं ये बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं चर्च में पढ़ने वाले तालिब इल्म। ओके, दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन, ये लंदन टाउन के ही फूल हैं। यानी कि लंदन में से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हैं जो चैरिटी के ऊपर पलते हैं और उनके चेहरे बहुत गुलाब की तरह फूलों की तरह दमक रहे हैं। शायद पेरेंट्स नहीं होते या वो गरीब बच्चे होते हैं, जैसे यतीम खाना, जैसे मदरसों में तालिबे हमारे पढ़ते नहीं हैं, वहीं पर रोटी खाते हैं, वहीं पर पलते हैं, उनको इमदाद चैरिटी लोग दे देते हैं और उससे सिलसिला उनका चलता है। सेम इज़ द केस विद चर्चेस। सीटेड इन कंपनीज दे सिट विद रेडियंस ऑल देयर ओन, और वो कंपनीज बनाकर मतलब इकट्ठे ग्रुप बनाकर बैठे हैं। दे सिट विद रेडियंस ऑल देयर ओन, और पूरी ब्राइट चेहरे के साथ वो बैठे हुए हैं, पूरी ब्रिलियंस के साथ वो बैठे हुए हैं। द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स वॉज देयर, और हम ऑफ मल्टीट्यूड्स, और इतने ज़्यादा लोगों की, इतने ज़्यादा बच्चों की हम हमिंग साउंड आ रही है, ठीक है, नाक से या वो गीत जो गा रहे हैं, हम जो गा रहे हैं, हाइम जो गा रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है, वो गुनगुना रहे हैं। बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्स, ये बच्चे नहीं हैं इतने ज़्यादा, यूँ कहिए ये तो प्यारे प्यारी लैम्स हैं, इनोसेंट लैम्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स रेजिंग देयर इनोसेंट हैंड्स, और थाउजेंड्स की तादाद में बॉयज हैं छोटे छोटे और गर्ल्स हैं जो अपने प्यारे प्यारे हाथों को, इनोसेंट हैंड्स को रेज कर रही हैं। नाउ लाइक अ माइटी विंड दे रेज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग, और फिर वो ऊंची आवाज के साथ वो आसमानों तक अपने गीत को पहुंचा रहे हैं बच्चे। आर लाइक हारमोनियस थंडरिंग्स द सीड्स ऑफ हेवन अमंग, या सीड्स ऑफ हेवन अमंग यानी कि थ्रोन ऑफ गॉड, खुदा के तख्त तक वो आवाज एक गरज के साथ पहुंच रही है। यहाँ से वो इनोसेंट साउंड जा रही है, खुदा के थ्रोन तक पहुंचती तो पूरी गरज बन जाती है ताकि वो खुदा से मर्सी गैदर कर सके। बिनीस देम सिट द एजेड मैन, और इन बच्चों से नीचे अगली रो में बैठे हुए हैं, अगली लाइन में बैठे हुए हैं कुछ बूढ़े आदमी। वाइज गार्डियंस ऑफ द पुअर, वाइज गार्डियंस ऑफ द पुअर, वाइज गार्डियंस ऑफ द पुअर, गरीबों के ज़हीन निगरान। कैसी बात की, गरीबों के वाइज निगरान बैठे हुए हैं। अगर वो वाइज हैं तो वो गरीब नहीं होने चाहिए थे, अगर वो गरीब हैं तो वाकई उनके निगरान बड़े वाइज हैं जिन्होंने उन्हें गरीब रखा हुआ है। वाइज गार्डियंस ऑफ द पुअर, गरीबों के वाइज निगरान बैठे हुए हैं। देन चेरिश फिटी, तो फिर तर्स ज़रूर खाइए। ऐ उम्रा लोगों जो बैठे हुए हो, जो मेरी पोएम पढ़ रहे हो, तो तर्स ज़रूर खाना। लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्राम योर डोर, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरवाजे से रहमत का फरिश्ता चला जाए। यानी कि तुम ये देख रहे हो महफिल, इन चर्च के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को, उनको मिलना चाहिए कोई ना कोई आपकी तरफ से चैरिटी। अगर तुम चैरिटी नहीं दोगे तो फिर रहमत का फरिश्ता तुम्हारे घर से चला जाएगा। जी हॉली थर्सडे टू इज एट पेज 225। Holy Thursday 2, page number 225. Now, पहली जो पोइम पढ़ी है आप देखें वो टेंडर पोइम है, उसके अंदर प्रेज की गई है, बच्चों की तारीफ की गई है, पाकिजगी की बात की गई है, एवरीथिंग इज ओके वेल, लंदन की बात की गई है और लंदन के वो रिहायशियों को, बच्चों को फूल कहा गया है, इनोसेंट कहा गया है। नाउ अब होली थर्सडे 2 जो कि सॉन्ग्स इन द विच इज़ फ्राम द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ आके राइटर के व्यूज़ क्या बनते हैं। इज़ दिस अ हॉली थिंग टू सी,
क्या वाकई ये मुकद्दस नज़ारा है देखने के लिए, क्या ये वाकई हॉली नज़ारा है देखने के लिए, इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, कि एक अमीर तरीन रिच और फ्रूटफुल लैंड के अंदर बेब्स रिड्यूस टू मिजरी, बच्चे तंग पड़ जाएं और तंग होकर वो दुखों का सिंबल बन जाए, मिजरी बन जाए, दुख बन जाए। यानी कि लंदन अगर अमीर तरीन शहर है, लंदन अगर फ्रूटफुल लैंड है, लंदन अगर रिच लैंड है, यहाँ पर रहते ही उम्रा हैं, तो यहाँ पर गरीब कहाँ से आए, यहाँ से मिजरी कहाँ से आ गए, ये बच्चे कहाँ से आ गए दुखी दुखिया रहे। अगर ये रिच लैंड है तो फिर यहाँ पर बच्चे ये नहीं होने चाहिए थे, बच्चे फिर कहाँ से आ गए। इट्स मीन दैट दे रिच पीपल हैव मैनेज्ड सम पुअर्स टू सेटिस्फाई देयर सेंस ऑफ पिटी, टू सेटिस्फाई देयर सेंस ऑफ चैरिटी, टू सेटिस्फाई देयर सेंस ऑफ देयर डिजायर ऑफ फेम, डोमिनेंसी, डोमिनेंसी फेम की उस डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए बकायदा पुअर बच्चों को मैनेज किया गया है, लोगों को पुअर रखा गया है। फेड विद कोल्ड, ये बच्चे सर्दी के मारे हैं, एंड यूजरस हैंड, यूजरस हैंड, सर्दी से कांप रहे हैं, यूजरस हैंड और ये क्रूअल हैंड्स के अंदर हैं। क्या ये सर्दी के मारे हुए हैं, क्या ये क्रूअल हैंड्स के अंदर हैं? अब देखें, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ, अक्सर आपको भी दिए, तो यहाँ पर अगर 10 बच्चे हैं यहाँ पर इस टाउन के अंदर, या हमारी इस एकेडमी में 10 लोग हम हैं यहाँ पर, तो अगर 10 लोगों में से 10 लोग भूखे बैठे हुए हैं और मैं डेली आकर उनको 100 रुपया दे दूँ, आप लोगों को ये जी 100 रुपीज़ लें और खाना ले लें, आप तो भूखे हैं, ओए हो, ये आपने पहले बताना था मुझे, आज आप फिर भूखे हैं और रोज़ाना मैं आपको 100 रुपीज़ दूँ, आप पर तरस खाऊँ और आप डेली मेरी परहेज करेंगे, यार बहुत अच्छा आदमी है। रोज़ाना शाम को अगर पूछता है कि आपके पास खाने के लिए कुछ है और ना हो तो हमें कहते हैं फ़ौरन ये लो 100 रुपये और जाओ भाग कर जाओ, रोटी ले आओ, खाना ले आओ, खाना खाओ और सो जाओ। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं डेली 100 रुपये दे रहा हूँ तो महीने के मैं 3,000 दे रहा हूँ, तो मुझे आपको 10,000 रुपये खर्च करके एक वॉशिंग मशीन ही ले दूँ और कहूँ कि जाओ मोहल्ले में जाया करो, कपड़े ले आया करो, धोकर उनको वापस किए करो और वहाँ जितने पैसे बने उसकी कुछ खाया पिया करो। आप एक वॉशिंग मशीन से 10 लोग काम शुरू करेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स आप एक और मैनेज कर लेंगे वॉशिंग मशीन, और आप मेरे ख्याल में 2 साल के अंदर आपकी एक डोमेस्टिक लॉन्ड्री बन जाएगी, आप बड़ा अच्छा काम कर लेंगे, अब उस वक्त आप अमीर हो जाएंगे, मेरे बराबर हो जाएंगे। फिर 3 साल बाद या 5 साल के बाद तो मुझे कौन पूछेगा, मुझे तो रोज़ाना एक मज़ा आता है ना, रोज़ाना मेरी लोग परहेज़ करते हैं, और फिर जो लोग मेरी परहेज़ करते हैं, सिर्फ परहेज़ का मज़ा नहीं है, आई कैन यूटिलाइज देम। अगर उसमें 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़कों को मैं अपना अच्छा गुलाम बना सकता हूँ, मुझे दबाएंगे वैसे, और लड़कियां हैं तो मैं उन्हें अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, मैं उनके साथ अय्याशी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। गरीब क्यों हैं? गरीब लोग सारे के सारे अमीर लोगों के गुलाम हैं। 10,000 रुपये पर लड़की मिल जाती है जो सेक्स भी करवाती है, जो आपको हर वक्त प्रोटोकॉल भी देती है, फाइल उठा के आपके सामने ठहरी हुई भी है, और वो गलियों के धक्के भी खाती है, चौकों के धक्के खाती है वो यहाँ पर, क्यों कैसे हैं? और अमीर लोग आप जाएं, अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर ओवर देयर, बहुत सारे ऑफिसर्स मैं दिखा सकता हूँ, गुलबर्ग के अंदर, बरकत मार्केट के अंदर, आप उन ऑफिसर्स में जाएं, बाहर लिखा होगा फिला एंटरप्राइजेस, फिला एंटरप्राइजेस, अंदर जाएं, उनसे पूछे आप क्या करते हैं, हम बस दैट इज़ एंटरप्राइजेस, हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, आप क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, बस कुछ चीज़ें हैं, दे विल नॉट टेल यू, वो क्या कर रहे हैं, वो अमीर लोग हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो वहाँ से बैठते हैं, उन्होंने 2-3 असिस्टेंट रखी हुई हैं, बस वो अपना मज़े करते हैं। तो 10,000 में असिस्टेंट मिल जाती है, वाह कैसे मिली है 10,000 में असिस्टेंट, में अय्याशी का सामान 10,000 में कैसे हो गया उनके लिए? पॉवर्टी है, पुअर रखा है तो ये हुआ है। उन्होंने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, बहुत से लोग सामने हैं, उन्होंने कहा जी गलत है, खुदा के साथ मुकाबला कर रहे हो, क्या कर रहे हो मैनेज? अगर किसी तरह से सिस्टम मैनेज होता था,
उन्होंने कहा मैनेज हो ना पाए। शादी की तलकीन बड़ी जल्दी करेंगे जी, शादी करनी चाहिए, क्यों? पूरा एक सिस्टम है ना, आप शादियां करेंगे तेजी के साथ, बच्चे पैदा करेंगे तेजी के साथ, उनको पढ़ाएंगे, पढ़े लिखे फिर लड़कियां लड़के फिर उन्हीं बॉस के बेटों के काम आएंगी, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो बजाय इसके रोजाना 100 रुपया देने के, अगर वहाँ पर वो मैनेज किया जाता तो यहाँ पर गुर्बत ना रहती। सेम इज़ द केस इन लंदन, अगर वहाँ पर लोग रिच हैं, अमीर हैं, सेंसिबल हैं, तो उन्होंने मैनेज क्यों नहीं किया, तो वहाँ पर गरीब कहाँ से आ गए? फिर गरीब तो ना होते, फिर इसका मतलब गरीब बनाए गए हैं, रखे गए हैं गरीब, ताकि सेटिस्फाई किया जा सके अपनी उस हिस को कि हम जी डोमिनेंट हैं, हम बड़े अच्छे हैं जी, हम बड़े खैरात करने वाले हैं। डेफिनेटली, अरे भाई मैं अपने वालिद साहब से कह के थक गया, भाई आप ये 40-40 देगे चढ़ा कर, इतने इतने बकरे ज़िबा करके, ये आप मतलब जो लोगों को खिला पिला देते हैं वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है, अगर आप नहीं खिलाएंगे फिर भी लोग खाना खा कर तो सो जाएंगे, लेकिन अगर इतने पैसों के साथ आप 4-5 खानदानों को बिजनेस करा दें छोटे छोटे, तो ज़रा सूटेबल है। वो तो ऐसा आपने प्लांट लगा दिया है जो फॉरवर्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कहते नहीं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा मज़ा भी तो आता है ना, कि वो बाकायदा तौर पर लोग उनके आगे हाथ करते थे, वो कई लोगों को कहता कि नहीं इसको नहीं देना, ये शिया है, इसको मैंने नहीं देना, चलो तो भाग, ये काफिर हैं, कहीं को देता था कहीं को नहीं देता, बड़े मज़े लगा के बैठता था। ओके, व्हाट्सएप, तो हम बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये रिच लैंड के अंदर तो कहता है कि क्या ये सर्दी के मारे बच्चे किसी क्रूअल सिस्टम में हैं? इज़ दैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, जब बच्चे गीत गा रहे हैं, वो ऊँची आवाज़ में गीत गा रहे हैं, तो कहते हैं ये तो थरथराती हुई जो आवाज़ है ये म्यूज़िकल आवाज़ नहीं है, बल्कि ये तो मुझे एक चीख की मानद, वीप की मानद, रोने की मानद सुनाई देती है। कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय, क्या ये खुशी का सॉन्ग भला हो सकता है? एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, और बहुत सारे बच्चे यहाँ गरीब हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी, और वो कहता है ये लैंड ऑफ पॉवर्टी है, लैंड ऑफ रिचनेस नहीं है। लंदन इज़ द लैंड ऑफ पॉवर्टी, मेंटल पॉवर्टी इज़ ओवर देयर, वो कहता है ज़हनी पसमांदगी यहाँ मौजूद है, कि जहाँ पर लोग अभी भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, एक डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए हज़ारों लोग भूखे प्यासे बिठा देते हैं सामने। एंड देयर सन डज नेवर शाइन, इन बच्चों के सूरज कभी भी नहीं चमकेंगे, ये पुअर चिल्ड्रन हैं, इन्हें नेसेसिटी ऑफ लाइफ चाहिए। एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बॉ, और इनके क्रॉप्स, इनकी फसलें, इन बच्चों की फसलें जो हैं हमेशा बंजर रहेंगी, यानी कि ये बच्चों को कभी किस्मत, ये बार बार नहीं होगी इनकी किस्मत। एंड देयर वॉयज आर फील्ड विद थॉर्न्स, इन बच्चों के रास्ते से कांटों से बने हुए हैं। जो बच्चा खैरात के पैसों से भोग लेकर, उनके पैसों पर पल कर बड़ा होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस कभी भी डिवेलप नहीं हो सकता। इट इज़ अ एटर्नल विंटर है देयर, तो यहाँ पर इन बच्चों की ज़िंदगी के अंदर हमेशा हमेशा का विंटर रहेगा। फॉर वेयर एवर द सन डज शाइन, जहाँ भी सूरज चमकेगा, एंड वेयर एवर द रेन डज फॉल, और कभी तो यहाँ पर बारिश बरसेगी, बेब कैन नेवर हंगर देयर, और कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि बच्चे यहाँ भूखे नहीं होंगे। नॉट पॉवर्टी द माइंड अफॉल अफॉल, अच्छा जी, तो कभी भी पॉवर्टी जो है जहन को डराएगी नहीं, पॉवर्टी गुर्बत जो है जहन को डराएगी नहीं। मैंने 3 मंथ्स की, मतलब 3 माह मुसलसल मुझे, मतलब मैं बिल्कुल भूखा रहा ना, सिर्फ बिल्कुल भूखा, जैसे कहते 3 मंथ, और बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया, तो लोग कहते हैं कि तुम हीरोइन पीते हो, इतना सूख गया था। और मैं ऑयल, सरसों का ऑयल पानी में डाल के वो पीता था, मेरे पास वो 1 किलो पड़ा हुआ था, और 3 माह मैं काट गया उससे। मैं हैरत है मुझे कि मैं ज़िंदा कैसे रहा 3 माह। मैंने जब पहली बुक अपनी लिखी थी, उसके अंदर मैंने लिखा था कि मतलब मैं अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे धुतकार कर गुर्बत में डाला, और उस गुर्बत का खौफ जो है अभी भी मेरी नेक से चिमटा हुआ है, नेक के लिए। तो कहता है, मुझे याद आ गया, वो कहते हैं नॉट पॉवर्टी द माइंड अपॉल, और पॉवर्टी जहन को अपॉल नहीं करेगी गुर्बत।
ठीक है, और ऐसे लम्हात तो बहुत मुश्किल है कि जब आपके पास खाने को कुछ ना हो, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आप इसको सिर्फ सुन सकते हैं, व्हेन यू विल फील इट, और आप ये कहेंगे आपके ऊपर तारा, आप एक दिन भी अब खाने के बगैर नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता अब, लेकिन 3 मंथ्स 3 माह तक मुझे मतलब सबसे भयानक उस पीरियड की वजह से मैं अपनी सिस्टर से नाराज़ था, अब तक मुझे गुस्सा कभी आ जाता है, भाइयों से नाराज़ होता हूँ, वालदेन से नाराज़ होता हूँ कि यार मैं 3 माह तक कहत में रहा, मैं नौकरी भी ढूंढता रहा, मैं पढ़ता भी रहा, मैं तेल के ऊपर गुजारा करता रहा, और 3 माह तक मैं एक सिटी के अंदर था, मैं किसी बयाबान उजाड़ के अंदर नहीं था, बीच लोगों के रह रहा था मैं, ठीक है, और मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं अपने दोस्त के पास जाता या मैं चोरी करता या मतलब है मैं रिश्तेदारों के पास जाता और उनसे कहता कि जी मुझे कुछ खाने को, मैं जी मुझे ये यकीन था, डिटरमाइंड था कि एक दिन आएगा कि मैं ये बात बूस्ट करके कह दूँगा, और लेकिन मुझे फ़ख्र ज़्यादा होगा कि यस मैंने ये काम किया है और मैंने उस चीज़ को झीला है, मैंने हाथ नहीं फैलाया, तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ कि यस मैं इसमें से गुजरा हूँ, इस ट्रेल में से गुजरा हूँ। अच्छा बात ज़्यादा तो फिर सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बता डिफरेंस, हॉली थर्सडे 1 के अंदर उसने प्रेज की है और माहौल को हॉली कहा है, और फिर हॉली थर्सडे 2 के अंदर उसने कहा है कि अगलेस्ट सीन है कि यहाँ लास्ट वाली होप, यस आखिर में उसने होप दी है कि एक दिन तो ऐसा होगा जब ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पेपर ओके अच्छा ऐसे चिमनी स्वीपर जो है मैं रीड कर देता हूँ, तो हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। चिमनी स्वीपर 1 कहाँ है, पहले 1 देखना वो कहाँ, वन फिफ्टी एट पर है जी चिमनी स्वीपर नंबर 1, और चिमनी स्वीपर 2 का ओके जी 1 पर देखिए, When my mother died, I was very young. Chimney Sweeper, page number 158. Songs of Innocence के अंदर When my mother died, I was very young. जब मेरी mother की death हुई मैं quite young था. And my father, ये अब Chimney Sweeper कह रहा है. Chimney Sweeper कौन होता है? घरों के अंदर एक चिमनी होती है, यानी कि घर के कमरे के अंदर आग जलाने वाली जगह है, उसके ऊपर अब एक पाइप लगा कर छत के ऊपर पहुंचा दिया जाता है और धुआं उस पाइप के ज़रिए बाहर चला जाता है। पहले ऐसा होता था कि पाइप की जगह पर वहां पर स्पेस बना दी जाती थी, दीवार के अंदर मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उसके दरमियान में एक स्पेस क्रिएट कर दी जाती थी, तकरीबन 2x2 की, 2 फुट चौड़ी 2 फुट बस 2 फुट की उसके अंदर गैप होता था, ठीक है। तो जब धुआँ चलता रहता फिर धुएँ के ज़रात वहाँ इकट्ठे हो जाते, और फिर धुआं का वहाँ से निकलना जब मुश्किल हो जाता तो कमरे के अंदर फिर धुआं इकट्ठा हो जाता था, फिर चिमनी स्वीपर की ज़रूरत पड़ती, चिमनी साफ करने वाले की, वो अंदर घुस जाता और फिर पूरी बिल्डिंग के अंदर चिमनी के अंदर वो पांव रखता रहता, हाथ फंसाता रहता और कालक को कुरेदता रहता था, कालक सारे के सारे नीचे गिरा देता था और चिमनी बिल्कुल साफ़ हो जाती। तो आप इमेजिन करें उसका दम घुटता होगा अंदर, उसका सर के बालों के अंदर सारे का सारा कालक होती होगी, चेहरे पर कालक होती होगी उसकी, दैट इज़ रियली अ हेल्प, बड़ी मुश्किल जगह थी जहाँ पर ये काम कर। तो मोस्टली चिमनी स्वीपर होते वो बड़े कमज़ोर नहीफ होते थे, सूखे से होते थे बिल्कुल, ताकि वो चिमनी के अंदर से गुजर सकें,
एट द सेम टाइम वैसे भी वो गरीब होते थे। मैंने मदर डाइड, आई वॉज वेरी यंग। जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं बड़ा यंग था। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्क्रेसली क्राई। और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया उस वक्त जब मेरी ज़बान से मुश्किल से लफ्ज़ निकलते थे। वीप 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 वीप, मेरे मुंह से मैं अभी रो भी पूरी तरह से नहीं सकता था। तो उस वक्त मेरे फादर ने मुझे सेल कर दिया, यानी किसी और को दे दिया, चिमनी स्वीपर को दे दिया। सो योर चिमनीज़ आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप, ताकि मैं तुम्हारी चिमनी साफ़ कर सकूं और सूट आई स्लीप और कालक के अंदर मैं सो जाऊं। देयर लिटल टॉम डिक्री हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक वाज शेव्ड, सो आई सेड। बस टॉम नाम का यहाँ लड़का है, टॉम डिक्री, और जब उसको गंजा किया गया किस लिए, ताकि चिमनी स्वीप करने के लिए अंदर जाए तो उसके बालों के अंदर कालक ना फंस जाए। उस बच्चे को जब गंजा किया गया ताकि इसे अब काम पर भेजा जाए, ये भी चिमनी स्वीपर्स का ही बच्चा था, उन्हीं के पास ये बच्चा था। यानी कि अब एक चिमनी स्वीपर अपने दोस्त की बात कर रहा है, हु इज़ ही इज़ आल्सो चिमनी स्वीपर। तो लड़के ने कहा, तो कहते हैं मैंने कहा, आई सेड, किसको किसको कहा, दूसरे चिमनी स्वीपर, क्या नाम है उसका, टॉम को कहा। हर्स्ट टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बॉ यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉल योर वाइड हेयर। बस तुम गंजे हो जाओगे, तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे, ठीक है। मैंने उसे ये कहा, ये बड़ा एज है आपको। And so he was quiet, and that very night as Tom was asleep he had such a sight. बस ऐसा ही हुआ, वो खामोश हो गया। और फिर रात को जब वो टॉम सोया तो उसने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा, thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, ये सारे जो हैं ये चिमनी स्वीपर thousands थे, but all of them locked up in coffins of black. वो सारे के सारे एक ब्लैक कफन के अंदर बंद हो गए ना। वो अब चिमनी स्वीपर को स्वीप करने के लिए भेज दिया कि जाओ जी स्वीप कर लोगों की चिमनी, जब उसे भेजा है वो ड्रीम भी देख रहा है कि मुझ जैसे थाउजेंड बच्चे जो हैं अब ये काले कफन के अंदर यानी कि चिमनीज के अंदर सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो गए। अब सारी ज़िंदगी वो चिमनी ही साफ करते रहेंगे। And so he was, अच्छा ये पढ़ लिया मैंने, and by came an angel, फिर एक फरिश्ता आया एक ख्वाब के अंदर ही, who had a bright key, उसके पास एक bright key थी, and he opened the coffins and set them all free, उसने कफन खोला यानी कि चिमनी वाला कफन खोल दिया उनका, उन सबको फ्री कर दिया। Then down a green plain, leaping, laughing, they ran. और फिर वो सारे के सारे चिमनी स्वीपर ग्रीन गार्डन में पहुंच गए, वहाँ पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं वो। एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन, और वो दरिया के अंदर नहाए हैं और धूप के अंदर चमक रहे थे। आतिका फैन तो थोड़ा सा हल्का करो बेटा। देन नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, अब नंगे तड़ंगे उनके बैग्स पीछे पड़े हुए हैं। कौन से बैग्स हैं जी, जिसमें सामान है चिमनी स्वीपिंग का। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, और ये बच्चे बादलों में पहुंच गए। एंड स्पोर्ट इन द विंड, हाय हाय हाय, और फिर हवा के अंदर खेलने लगे ये बच्चे। ख्वाब ही चल रहा है टॉम का। एंड एंजल टोल्ड टॉम, और एंजल ने टॉम से कहा, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, और एंजल ने कहा टॉम अगर तुम अच्छे लड़के बने, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो खुदा उसका बाप है, तो खुदा उसका मेहरबान है, खुदा उसका मालिक है, खुदा उसका निगरान है, एंड नेवर वॉन्ट जाए, और तुम्हें फिर खुशियों की ज़रूरत ही नहीं है जब गॉड तुम्हारा सरबराह है, ठीक है। एंजल ने कहा कि बच्चे तो परेशान ना हो, तेरी मदद करने वाला तेरा निगरान खुदा है, और तुम्हें खुशियों की फिर ज़रूरत भी नहीं है, कभी मांगना भी ना खुशियाँ। मीठी
पता नहीं जी. एंड सो टॉम अवोक, टॉम उठा एंड वी रोज इन द डार्क, और हम तारीकी में उठे, यानी कि तारीकी स्टिल है. एंड गॉड विद आवर बैग्स, और बच्चा कहता है, टॉम का दोस्त कहता है, जो असल में पोएम बता रहा है, पोएम में जो ओरेटर है, बोलने वाला है, वो कहता है, फिर हमने अपने बैग्स उठाए एंड आवर ब्रशेज, अपने ब्रशेज उठाए टू वर्क काम के लिए. सो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हाय सर्दी अभी भी थी. टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, टॉम उस ड्रीम को देखकर खुदा को अपना निगेबान समझकर, नाउ अब वो जज्बे से वार्म था, अब वो हैप्पी था. सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फेयर हार्म, अगर वो सारे अपनी ड्यूटी करते रहेंगे उन्हें कोई नुकसान कभी नहीं पहुँचेगा. कालक के अंदर, चिमनी के अंदर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा अगर वो अपना काम सही करेंगे, क्योंकि गॉड उनका निगेबान है, गॉड उनका मालिक है. चिमनी के अंदर गए हुए हैं, कालक में पल रहे हैं, और गॉड उनका निगेबान है. यानी कि ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, जैसे कि एक बच्चा जो है मदरसे के अंदर पढ़ रहा है, तो उससे मतलब ये कहा जाए कि आपके ऊपर बड़ी रहमत है, तो वो जो भीख की रोटी खा रहा है, जो मुश्किल तरीन ज़िंदगी जी रहा है, और एक मेल मौली के ज़ेर साया है, जो उसको सेक्सुअली भी यूज़ कर रहा है, जो उससे अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, क्योंकि मैं एक मदरसे में टीचर रहा हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पर पाइप्स के साथ किस तरह वो मौली मारता था बच्चों को, और मारने के बाद फिर उनसे जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, और उसके बाद सेक्सुअली भी उनको अब्यूज़ करता था वो, मतलब तो बड़ी उसके साथ. और वो कहता था, वो कहता, दैट इज़ माई चैलेंज, कि इन 4 or 5 or 10 days आई कैन हैंडल एनी वन, कोई भी नया लड़का है तो मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ सेक्सुअली, ठीक है. तो मतलब ये उसकी बड़ी शौकी थी. तो खैर मुझे, मैं वहाँ उस मदरसे में 3-4 मार रहा हूँ, 5 मार. तो दीज वर थिंग्स, हैं मतलब उस वक्त हम भी क्वाइट यंग थे, तो हम ये चीज़ें देखकर शायद हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है. हम भी हंसते थे शायद, हमें उस वक्त इतना शऊर तो नहीं था कि जी हम उसको कंडेम करते हैं. हम तो ये पता नहीं था कि ये सारा सिस्टम है कैसे, हमें तो ये नहीं समझ आती थी. हम तो बस ये कहते थे कि जी 1000 रुपये बस पे मिल रही है, और अभी तो हमने FSC की है और 1000 रुपये पे भी मिल जाती है, और यहाँ पर ये मार कुटाई वाला सिलसिला भी देख लेते हैं, रोटी भी हम खा लेते हैं यहाँ बैठ के, साइकिल पर पाँव रखा फिर पढ़ने चले जाते हैं, अपना भी तालीम हासिल कर रहे हैं कहीं और. तो अगर वो बच्चे को कहा जाए कि हाँ जी तुम पर तो बड़ा मतलब है, तुम्हारा गॉड निगेबान है, तो अगर ट्रूली पूछा जाए तो कैसे उसका निगेबान होगा, बिकॉज ही हैज़ नॉट फैसिलिटीज़, वो प्योर और अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा वो वहाँ पर. सेम इज़ द केस, मेरी ये सारी बात गलत भी हो सकती है, सारी बात मेरी गलत भी हो सकती है, कोई भी क्लेम कर सकता है, लेकिन दीज आर ऑल्सो ट्रूथ्स, जो मैंने पर्सनल ट्रूथ देखे हैं मैंने वो बताया है आपको. तो यहाँ पर तो मतलब वो कह रहा है कि चिमनी स्वीपर को कोई गुजन नहीं पहुँचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि गॉड उसका निगेबान है, एंजल ने आकर उसे ये मैसेज दे दिया है. तो हम पोएम को ओवरऑल जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि पोएट ने स्लाइस किया है चिमनी स्वीपर के साथ, उसको थोड़ा सा पीसफुल, जिसे आप कहते हैं मिट्टी टॉफ़ी, तो वो दे दी है फ़िलहाल. अब सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखते हैं, व्हाट इज द पेज नंबर 269 आपका फेमस वालों का 316, द चिमनी स्वीपर फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. विलियम ब्लेक यहाँ आकर देखे क्या कहता है, जब वो मैच्योर हो गया, एक्सपीरियंसेस हुए उसे माशरे के अंदर, तो फिर वो क्या कहता है, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, हर तरफ अच्छाई अच्छाई है, स्नो ही स्नो है, नूर ही नूर है, तो एक छोटी सी काला भुतना नज़र आता है उसमें. अच्छा,
हर तरफ उजाड़ ही उजाड़ है, सख्त तरीन मौसम है, कोई भी बाहर नहीं निकलता और एक छोटी सी काली चीज़ नज़र आ रही है। दो मीनिंग हो सकती है, और दूसरे वाला मीनिंग ज़्यादा रीजनेबल है कि इतनी सर्दी के अंदर वो बच्चा बाहर ठटर रहा है काला सियाह, और वो ढूंढ रहा है अपनी रोजी रोटी। क्राइंग, वीप वीप इन नोट्स ऑफ वू, दुख के गीत गा रहा है। नोट्स गीत, वो दुख, दुख के गीत गा रहा है, और वो स्वीप स्वीप आवाज़ नहीं निकाल रहा बल्कि आवाज़ निकाल रहा है वीप वीप। वेयर आर द फादर एंड मदर, से पूछा गया है लड़के तेरा बाप कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है। देर आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे, और वो दोनों गए हुए हैं चर्च के अंदर दुआ के लिए। किसके लिए? औलाद, औलाद वो जो डीएनए है तुम्हारा, फादर डीएनए मादर डीएनए प्रे के लिए गए हुए हैं, और सन डीएनए जो है वो सर्दी के अंदर उजाड़ के अंदर वो जाड़े के अंदर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए हुए है वहाँ पर। तो कौन सी प्रे करने गए हैं? अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कमी पेशी हो जाए। अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ ब्लेक, तो ब्लेक क्या कहता है? वो कहता है कि वो चर्च गए हुए हैं प्रे के लिए। किस दुआ के लिए गए हुए हैं, किस तरह से गए हुए हैं? हमने ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन बट ही इज गिविंग सेंस, वो सेंस दे रहा है, सोचना हमने है, कहना हमने है। विलियम ब्लेक कहता है, वो कहते हैं वो करे पढ़ो मुझे और भौंको आप। रेवेंड विलियम भी यही कहता था, पढ़ो मुझे और भौंको आप, ठीक है। उसने कहा नहीं था, उसने कहा जी मामा मामा भांजा, उनको कुत्ता रखने का बड़ा शौक था, घोड़ा और कुत्ता। वो कहते मामू कुत्ता कमाल है, जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा है। आगे मामू कुत्ता रोजाना, उसके मामू कुत्ता, मामू ने कहा कुत्ता कमाल है, और बांझे ने भी कहना कि कुत्ता कमाल है, बड़ा बेहतरीन कुत्ता। और एक दिन उसने कहा मामू कुत्ता जर्मन शेफर्ड, उसके कुत्ता मामू बड़ा कमाल है, ये वड्डा होने दे। वो कह मामू वड्डा तो हो गया, भौंकता नहीं। तो मामा ने जवाब देता हूँ कि मामू ये कहना खवाओ मैनू तो भौंको आप। विलियम ब्लेक भी सवाल वो नहीं करता, वो कहते पढ़ो मुझे और भौंको आप, ठीक है। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ, अच्छा जी मैं तो बड़ा खुश था हीथ के ऊपर। हीथ क्या थी? मेरे ख्याल में ये वो जगह हीथ होती है जहाँ पर बैठ के खाना खाया जाता है, खाने पकाने की जगह है। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, और मैं मुस्कुराता था विंटर की बर्फ़ देखकर। दे क्लॉथ्ड मी इन द क्लॉथ्स ऑफ डेथ, मुझे उन्होंने मौत के कपड़े पहना दिए। एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और मेरे वालदैन ने मुझे सिखा दिया ये दुख भरा गीत। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, और क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझे कोई दुख कोई तकलीफ़ नहीं दी। वालदैन सोचते हैं, कह रहे गो के मैं डांस करता हूँ, मैं खुश भी रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे इंजरी नहीं है। ये बात बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान का एक आदमी एवरेज मैन की बात करूँ, आम आदमी, वो कम अज़ कम 13 घंटे 14 घंटे या 16 घंटे काम करता है, उसके बावजूद बच्चों से प्यार भी कर रहा होता है, वो लम्हा भर खुश भी होता है। अगर हम ये कहें कि ये आदमी जो 16 घंटे काम कर रहा है ये खुश है, बड़ा हैप्पी हेल्थी है, बड़ा शौक है, ठीक है ज़िंदगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ही इज़ इंजर्ड वन, वो इंजर्ड है, वो चाहे स्कूल मास्टर है, वो चाहे आम लेबर करने वाला है, कॉमन मैन जो भी है, इंजर्ड तो है वो। उसे 2 घंटे काम करना था, 3 घंटे काम करना था, उससे आपने 16 घंटे काम ले रहे हैं और सारी ज़िंदगी ले रहे हैं, ले कौन रहा है ये पता नहीं, उसकी लेबर जा कहाँ रही है, कोशिश तो वो बेचारा बड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है मैं खुश रहता हूँ, बच्चा कहता है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद मैं मुझे उन्होंने कोई इंजरी नहीं दी, उन्होंने इंजरी दी है।
and are gone to praise God and His priest and king. और वो चले गए हैं गॉड की प्रेज करने और गॉड के प्रीस्ट की प्रे करने जो गॉड जैसा है एंड किंग की जो गॉड का रिफ्लेक्शन देता है. ये तीनों चारों मतलब है किंग प्रीस्ट ये गॉड को अपने आप को गॉड लाइक समझते हैं सारे के सारे. यानी कि ये आर दे आर द अथॉरिटी. वो सारे उसके पास गए हु मेक अप अ हेवन आवर मिजरी हु मेक अप अ हेवन. और इन लोगों ने प्रीस्ट ने किंग ने मेरे वालदैन ने इन्होंने जन्नत बनाई है ऑफ आवर मिजरी हमारे दुखों से. यानी कि दुख होंगे तो जन्नत की ख्वाहिश होगी. अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर जन्नत के अंदर वहाँ पर गन्ने के रस की नहर होगी तो आप लोग तो बड़े खुश होंगे ना. और गन्ने ही आपके पास उगे हुए हैं तो आप कहेंगे जी वो खैर है ठीक है. तो पठानों के पास कोई तकरीर कर रहा था रिलीजियस करबला के ऊपर. उनने कहा जे इमाम हुसैन का उधर पानी बंद कर दिया गया. तो पठान थे पागल थे तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं इधर भी पानी कभी कभी बंद हो जाता है. उनने कहा जाकिर भी बड़ा एक्टिव था उसने कहा जी इमाम हुसैन का उन्होंने राशन भी बंद कर दिया. उसने कहा माड़ा कोई बात नहीं इधर भी हो जाता है बंद. वो रोए नहीं. उनने कहा जी उधर उन्होंने तीर बरसाए तो उनके भतीजे शहीद हो गए बांझे शहीद हो गए फैमिली मेम्बर शहीद हो गए. उन्होंने कोई बात नहीं माड़ा इधर हमारी भी जंग होती है बंदे शहीद हो जाते हैं मतलब मर जाते हैं हमारे भी. उसने कहा और तो और फिर अल्लाह ताला माफ़ करे. उसने कहा जाकिर ने कहा इमाम हुसैन का उन्होंने नस्वार बंद कर दिया तो सारे पठान रोने लग गए कि नस्वार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये बंद नहीं होना चाहिए. इस बात पर सारे के सारे रोने लग गए ठीक है कि हाँ जी नस्वार बंद ना थे बाकी खैर थी. अच्छा तो ये बात कहने का मतलब ये था कि मिजरी होगी जिस चीज़ की कमी है तो फिर ही हेवन तैयार करेंगे आप. हमें जो चीज़ फील होती है हम भी नहीं सोचते हैं कि अगले को बड़ा था. बेटा देखो मैं पहले भी कहता हूँ मतलब डिफेंस में रहने वाले लोगों को बिल्कुल जन्नत की ख्वाहिश नहीं है. आप वहाँ जाके पूछें उन्हें कहें जी आप बुज़ुर्गों नमाज पढ़ने आए हैं या आप भी नमाज पढ़ने हैं क्यों नमाज पढ़ने हैं. वो कहेंगे भाई अल्लाह की इबादत करते हैं शुक्र अदा करते हैं और अपने रूहानी कल्बी सुकून के लिए नमाज पढ़ते हैं ठीक है. उन्हें पूछें आप उन्हें कहें जी आप अल्लाह को याद करते हैं क्या इसलिए कि अल्लाह ताला आपको मौल दौलत दे. वो कहेगा यार ये घटिया लोग सोचते हैं इन लोगों को शौर ही नहीं है जो ये कहते हैं कि जी हम इसे नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें चीज़ें दे दौलत दे ठीक है. एट द सेम टाइम अब उसे कह दिया वो घटिया लोग हैं क्यों उसके पास वो सारी चीज़ें हैं. तो उसे लगा कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए. लेकिन अगर वहीं शख्स आप ले आए उसे किसी इंतहाई माड़े से इलाके के अंदर उसे ढोलन वाल के अंदर ले आए ढोलन वाल की रिहाइश से पूछे जी नमाज पढ़ने क्यों जाते हैं. वो कहे जी मेरी बेगम बीमार है मैं नमाज पढ़ने आता हूँ अल्लाह ताला से गिरिया जारी करता हूँ मैं रोता हूँ यहाँ पर मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि मेरी बेबी को आराम दे दे सुकून दे दे सारी रात बेचारी तड़पती रहती है और मैं सारी रात बैठ कर उसे दबाता हूँ और सुबह मुझे काम पर भी जाना पड़ता है. मैं जिस डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ उन डॉक्टर्स ने मुझे एक्सपायर्ड और गंदी दवाएं दी हैं बाद में जियो वालों ने उनको पकड़ा है तो वहाँ पर उनके ऊपर केस हो गया है. वो तो मेरी बीवी बच गई है मैं ये भी शुक्र अदा करता हूँ पता नहीं कौन सी मेरी नेकी काम आ गई है. और अब मैं उसे म्यू हॉस्पिटल लेकर गया हूँ वहाँ पर उस डॉक्टर ने दवाई दी है कदरे बेहतरी है मैं आके यहाँ पर गिरिया जारी करने आता हूँ अल्लाह के हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बीवी ठीक हो जाए. दूसरी बात ये मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए मेरे तीन चार पाँच बच्चे हैं जिनको मैं कहता हूँ मैं कम से कम पाल लूँ वो भूखे ना मर जाए मैं इसलिए आता हूँ अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है मुझसे राज़ी हो जाए मैं इसे शुक्र करने आता हूँ. नो उसकी और बात है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ की बात करेगा ना. अमीर आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको ज़रूरत है रूहानी सुकून की वो रूहानी तौर पर बेचैन है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी बात कर रहा है वो उस. तो हेवन जो बनाई गई है हेवन के अंदर
ये चिमनी स्वीपर को सारी खुशियाँ मिलेंगी, हेवन में मिलेंगी। तो क्या हेवन में बनाई गई है? तो वो कहता है कि वो आउट ऑफ मिजरी बनाई गई है, अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक कहता है कि मिजरी से बनाई गई है, कि मिजरी है तो फिर हेवन है, मिजरी ख़त्म तो हेवन भी ख़त्म। हमारे अब लाहौर के बच्चे मोस्टली, आप उनसे कहें कि जन्नत के अंदर दूध की नहर है, या उन्हें कहें जी दूध का गिलास पी लें, वो कह रहे हैं अब हमें उल्टी आती है दूध देख के, तो आप उसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे? दूध जन्नत के अंदर है, वो उस वक्त जब दूध मिला नहीं करता था लोगों को, और उनको बताया गया कि दूध की नहर है, तो मतलब देवर वेरी हैप्पी कि दूध पियेंगे, कितनी खुश नसीबी होगी कि दूध की नहर होगी पूरी की पूरी। मैं तो पीऊँगा भाई, आपका मुझे कोई पता नहीं है बेटा, नहीं वैसे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम उतने आना भी कोई नहीं। सर वो डॉक्टर फासिस में भी पढ़ा था ना कि जितनी जितनी जिस जिस की भूख होती है उतना उतना उसका गुनाह होता है। डॉक्टर फासिस में पढ़ा। बस अल्लाह ताला तुम आप लोगों के गुनाह माफ करे, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना आप लोगों को बड़े गुनाह मेरे साथ जन्नत जाएंगे। चलो ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे कोई अल्लाह तौबा भी करी करो, नमाज शमाज पढ़ा करो फिर, ठीक है? रमजान में बैठेंगे। ओके जी, ये क्लियर हो गया सर? एक और बस जी, बस ओके जी, इनफ, टेक इट। सर आप मुझे भेजें। आप क्या कर रही हैं?